श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। कुछ महिलाएं इस व्रत को सप्तमी तिथि के दिन भी रखती हैं। यह व्रत बहुत ही खास होता है क्योंकि यह पति की लंबी आयु और घर में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखा जाता है। कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन आप पूरी निष्ठा श्रद्धा से अगर वट वृक्ष की पूजा करती हैं तो आपके पति की लंबी आयु होती है। कभी भी अकाल मृत्यु का भय उसे नहीं सताता है, अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन आप निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। अगर निर्जला व्रत ना रख पाएं तो आप फलाहार भी कर सकते हैं, लेकिन फलाहार आपको पूजा के बाद करना है। अब हम आपको कुछ उपाय बताने वाले हैं जो वट सावित्री व्रत के दिन आप जरूर करें। इससे आपके जीवन में काफ़ी सुख प्रदान होगा, साथ ही आपके पति की लंबी आयु होगी और पति की उन्नति होती चली जाएगी। जिस भी कार्य क्षेत्र में वे कार्य कर रहे हैं, नौकरी व्यापार, तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती चली जाएगी। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के दिन किस नियम को करें, किस उपाय को करें जिससे कि आपके घर में धन संपदा बढ़े और पति की लंबी आयु हो। वट सावित्री व्रत के दिन आपको पूजा की थाली में एक मिट्टी का कलश रखना है। मिट्टी का कलश होना चाहिए, थोड़ा बड़ा सा होना चाहिए, जिससे कि आप सात परिक्रमा जल अर्पित करते हुए कर लें। अगर एक परिक्रमा भी आप जल अर्पित करते हुए कर लेंगे वट वृक्ष की, तो बहुत ही खास माना गया है। मिट्टी का ही बर्तन लेना है आपको, संभव हो सके तो मिट्टी का कलश ले लें और मिट्टी के कलश में आप ठंडा जल भर लें। ठंडा जल होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है। और उसके बाद आपको एक पंखा लेना है। पंखा आप ताड़ के पत्ते का ले सकते हैं या फिर आप बांस के पत्ते का ले सकते हैं। बांस का भी पंखा बनता है जो आपने देखा होगा, आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन वह पंखा आपको लेना है। उस पंखे की पूजा करनी है विधिवत वट वृक्ष के नीचे रख करके। फिर आपको पूजा के दौरान सबसे पहले ऐपन चढ़ाना है। ऐपन किस तरीके से बनाना है वह वीडियो हमने अलग से डाल रखा है। हल्दी और चावल के आटे को घोल करके ऐपन बनता है, उसे आप वट वृक्ष पर पूजा के सिंदूर की जगह पर इस्तेमाल करें। हल्दी कुमकुम ऐपन लगा करके आप वट सावित्री व्रत की पूजा करें, साथ ही सुहाग की सामग्री भी अर्पित करें और फल निवेद और साथ में बरगदे जो कि गुलगुले टाइप बनाए जाते हैं, मीठे भजिए जिसे बोलते हैं, और पूरी जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने में इस्तेमाल करते हैं, वही पूरी और गुलगुले दोनों चीज़ आपको बना लेनी है, जिसे बरगदे कहा जाता है, वह भोग में लगानी है। दो पूरी और दो बरगदे लगा दें और उसके बाद कच्चा सूत ले लेना है और बरगद के वृक्ष की 108 या फिर 7 11 21 51 जितनी भी परिक्रमा आपको लगानी है, अपनी श्रद्धा अनुसार जैसा बन सके वैसी आप परिक्रमा लगा लें। परिक्रमा लगाने के बाद में वट वृक्ष के नीचे बैठकर आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुननी है। सत्यवान और सावित्री की कथा का वीडियो हमने अलग से डाल रखा है, उसे अवश्य देखिएगा, उसमें पूरी कथा सुनाई गई है, आप उसे सुन सकते हैं। उसके बाद आपको वहीं बैठ करके वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही अपना व्रत का पारण करना है, यानी कि आप निर्जला व्रत रखेंगी सुबह से, कुछ भी नहीं खाना है आपको, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपकी पूजा होने के बाद में आपको वहीं बैठ करके बरगद के पत्ते के बीच में एक छोटा सा पत्ता उगता है उसे ले लेना है और साथ काले चने ले लेने हैं भिगे हुए, उन्हें आपको पानी के साथ में, जल के साथ में निगलना है, यानी आपको खा लेना है पर बिना चबाए खाना है। इस तरीके से आपका व्रत संपन्न होता है। इसके बाद आप घर जाकर फलाहार कर सकती हैं। फलाहार नहीं तो आप कुछ मिष्ठान का भोग, जो भी आप फलाहार वाली मीठी चीज़ खाना चाहती हैं वह खाने, फल खा सकते हैं। इसके बाद आपको अगले दिन ही व्रत का पारण करना है। यह व्रत पूर्ण रखा जाता है पति की लंबे आयु के लिए और साथ ही आपके बच्चों के सुख शांति और समृद्धि के लिए भी इस व्रत को रखते हैं। इस व्रत में विशेष कर ध्यान रखने योग्य यह बात है कि जो पंखा हमने ले गए थे, जो कि बांस का या ताड़ का पत्ते का होता है, उसे वापस ले आना है और उससे आपको अपने पति की हवा करनी है थोड़ी सी, एक नेक होता है। और साथ ही सुहाग की सामग्री भी आपको कुछ ना कुछ वट वृक्ष के नीचे से थोड़ी सी, यानी चूड़ी उठा लानी है या फिर थोड़ी सी मेहंदी सिंदूर कुछ ऐसा लेकर के आना है और अपने मांग में जरूर उसे भरना है। एक चूड़ी ले आएँ, दोनों हाथ में एक एक चूड़ी पहन लें, कुछ भी सुहाग सामग्री वहाँ से लेकर के आनी है और पहन लेनी है।
इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वट सावित्री व्रत में कोई गलती ना हो पाए। और भी हम वीडियो बना रहे हैं जो कि हमारे वट सावित्री व्रत से रिलेटेड कई उपाय हैं, कई विधियां हैं, जो आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी, उन्हें अवश्य देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।